क्या तुम अल्टीमेट वाइल्ड वाइन देखना चाहते हो? वैसे तो हमें बेन 10 की सीरीज में अल्टीमेट वाइल्ड वाइन कभी भी देखने को नहीं मिला है, पर फिर भी मैं तुम्हें अल्टीमेट वाइल्ड वाइन दिखा सकता हूँ और उसके बारे में बता भी सकता हूँ। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि वो पिक्चर फैन मेड होगा और वो डिटेल्स मेरा पर्सनल थियरी होगा। सो बेन जब अल्टीमेट वाइल्ड वाइन में ट्रांसफॉर्म होगा तब उसका पूरा बॉडी वहाँ के वाइल्डली एनवायरमेंट से कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखेगा। और अल्टीमेट वाइल्ड वाइन जिस भी फॉरेस्ट में होगा वो वहाँ का बादशाह बन जाएगा, उसके पास वहाँ का पूरा कंट्रोल होगा, वहाँ का सारा नेचर उससे कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ एब्सोल्यूट गॉड बन जाएगा। वो वहाँ के मिट्टी, बड़े बड़े पेड़, झाड़ और यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्थरों तक को भी कंट्रोल कर पाएगा। इन शॉर्ट वर्ड्स, वो फॉरेस्ट में कुछ भी कर सकता है। अब इसी से तुम अल्टीमेट वाइल्ड वाइन के पावर का अंदाजा लगा लो। बाय द वे, वो जितना पावरफुल फॉरेस्ट के अंदर होगा उतना ही पावरफुल फॉरेस्ट के बाहर बंजरों जगहों पे होगा।